आज संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील अमेठी में अनोखा मामला आया सामने। संपूर्ण समाधान दिवस प्रभारी महोदय के नाम पत्र लेकर पहुंचा फरियादी। फरियादी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के समय में 1 लाख रुपये सालाना देने के लिए किए गए वादे को पूरी न होने की बात कही है। फरियादी ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि पंजे पर वोट देकर कांग्रेस को विजयी बनाएं। हम लोगों ने परिवार और इष्ट मित्रों समेत सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अमेठी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। इस वादे के बावजूद आज तक खाते में एक भी पैसा नहीं आया है, जबकि कहा गया था कि 5 जून 2024 को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की माली हालत को देखते हुए प्रार्थी को न्याय दिलाने की कृपा करें। प्रार्थी को कांग्रेसी नेताओं से अब तक की संपूर्ण बकाया राशि दिलाई जाए। ये पत्र देखकर संपूर्ण समाधान दिवस प्रभारी महोदय के होश उड़ गए। उन्होंने फरियादी को ये बताते हुए वापस कर दिया कि यह मामला यहाँ का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का निजी मामला है, अतः वह इसकी फरियाद वहीं पर करें। मेरा नाम रामचंद्र, ग्राम सराय हिरमती रामचंद्र। क्या आज ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेके आए थे, क्या मामला है? यहाँ तहसील दिवस में आपने एप्लीकेशन भी दिया, क्या हुआ? मामला ये कि हमने एप्लीकेशन दिया इसलिए कि हम बेरोजगार हैं और कोई स्रोत नहीं है, गरीब आदमी है, क्योंकि सरकार ने बोला था कि हमें वोट दीजिए और हम तुमको 1 लाख रुपया देने का वादा किया था। आज तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सरकार हमें गरीब रेखा से नीचे यापन करने वालों को 1 लाख रुपया का राशि प्रदान किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम है, मैं ग्राम सभा पुनपुर विधान यहाँ पर मैं आया था कि ये पूर्व में जो बीता चुनाव हुआ है, बीते चुनाव में ये कांग्रेस के पदाधिकारियों समेत कई लोग हमारे घर पर आए और हमें झांसा दिए। झांसा देने के बाद मेरी पत्नी को भी झांसा दिए कि आपको 1 लाख की ये गारंटी कार्ड दी जा रही है, जिसमें आपको 8500 रुपये महीने और आपको 1 लाख ये जो है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन आज लगभग 5-7 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई भी किसी प्रकार की प्रक्रिया और किसी भी प्रकार का जो है ये गारंटी कार्ड के मुताबिक कोई लाभ हमें नहीं मिला है। मैं कई बार संबंधित कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय भी गया, वो कांग्रेस कार्यालय बंद पड़ा हुआ मिलता है। आखिर मैं कहाँ पे जाऊँ? मेरी पत्नी मुझे मार के भगा दी है, कह रही है कि ये जो गारंटी कार्ड तुमने दिखा करके हमको झांसा दिलवा करके ये ओंठ हमारा दिलवा दिए कांग्रेस को, अब ये बताइए कि आप ये गारंटी कार्ड में लेकर घूम रहा हूँ पागलों की तरह, पूरे विधानसभा पूरे लोकसभा में कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं उन खटाखट प्रेमियों से कहता हूँ जो मेरे घर खटाखट आए थे, वो कह रहे थे कि आप ओंठ दीजिए, हम आपको ये दिलवाएंगे वो दिलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 8500 रुपये का वादा करके गए थे, लेकिन आज कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं यहाँ तहसील अमेठी में भी आया हूँ और यही एप्लीकेशन, यही जो इनका वो कार्ड है जो ये खटाखट वालों ने बांटा था, जो कांग्रेस पदाधिकारियों ने बांट करके हमारे घर पे आश्वासन दिया था, लेकिन आज उसको कोई देखने को तैयार नहीं है। आखिर ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो हस्ताक्षर है, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो हस्ताक्षर ये बनाए हैं, क्या ये फर्जी है? क्या ये जो कार्ड बना है ये फर्जी है? क्या ये कांग्रेस गारंटी कार्ड जो बना है वो फर्जी है? आप, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं वोटर हूँ, मैं इस लोकसभा का मैं वोटर हूँ, मैंने आपको वोट दिया है, मेरी पत्नी ने आपको वोट दिया है, मैं आपको दावे के साथ पूछना चाहूंगा कि क्या ये फर्जी है? ये कार्ड बना करके ये शोषित दलित वंचित पीड़ित खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आपने ठगने का काम किया है। आज मेरा समाज समेत सर्व समाज ये गारंटी कार्ड दे करके वोट जो हमने दे दिया है, आज ये दलित समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आखिर मैं पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूंगा कि मैं अब कहां जाऊं?